आयरन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज कानपुर के फजलगंज लोहा मंडी इलाके में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां मधुलोक ब्लड बैंक के सहयोग से दर्जनों लोहा व्यापारियों ने रक्तदान किया। इस मौके पर एसोसिएशन के महामंत्री प्रदीप केडिया ने बताया, अस्पतालों में लगातार ब्लड की कमी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एसोसिएशन का उद्देश्य है कि रक्तदान के माध्यम से ज़रूरतमंदों की मदद की जाए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद सत्यदेव पचौरी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर सुरेश मैथानी भी उपस्थित रहे। हमारी संस्था आयरन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें हम लोगों का 100 यूनिट का टारगेट था। अभी तक हम लोग 60 के आसपास कर चुके हैं, बाकी अभी सब रक्तदान चल रहा है। 60 लोग कर चुके हैं। और आगे किस तरीके से आगे हर 4 महीने में एक प्रोग्राम ये रक्तदान का हम लोगों ने करने का निश्चय लिया है। और क्या क्या कार्यक्रम जो आपकी संस्था करवाती है? और हमारे सब सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे नवरात्रा में भंडारा वगैरह होता रहता है, और सामाजिक वेट वगैरह GST की जानकारी सभी व्यापारियों को दी जाती है। व्यापारियों की जो भी समस्या होगी उसका समाधान हमारे मंडल द्वारा किया जा रहा है। मैं धीरज अग्रवाल आयरन वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। मधुलोक ब्लड बैंक द्वारा उनकी सहायता से ये शिविर को चलाया जा रहा है, और मुख्य अतिथि के रूप में हमने सांसद श्री सत्यदेव पचौरी और विधायक सुरेंद्र नथानी को बुलाया था और उनका स्वागत किया गया, उन्हें मोमेंटो दिया गया। उन्होंने इस कार्य को अप्रिशिएट किया और उन्होंने आगे हमको सलाह दी ऐसे प्रोग्राम आपकी संस्था ये करती रहे, और इससे जो है मैसेज और भी संस्थाओं में अच्छा जाएगा कि वो भी अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे। आयरन वेलफेयर एसोसिएशन फजलगंज के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, और उस नाते इन्होंने कई उद्देश्यों से बुलाया है। मैं इनका सांसद भी हूँ, मैं लोहा व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी रहा, लोहा का व्यापारी भी रहा, इसलिए इन्होंने कहा कि ये तो मुलायम चेहरा है, इसे बुला लो।